सात लड़के पकड़े गए उसमें, जिसमें कामन अकमल, मोहम्मद आसिफ, आमिर भट्ट वगैरह पकड़े गए। तो ये पानी लेके अंदर आया, इसने कहा रामलाल खेड़े ज़्यादा फने खाना बन। उमर अकमल ने कहा, उमर अकमल साहब अंदर आए तो उन्होंने मुझे कहा जी हमारे साथ मिलके काम करो, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को भी। 2010 का साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथा और पांचवा वनडे फिक्स था। चौथा और पांचवा वनडे वर्ल्ड कप से पहले वाला जो मैच था वो फिक्स इन्होंने किया, लेकिन आपने जितवा दिया। मैंने चौथा जितवाया, मैंने बैग उठाया और मैं निकल गया। आमिर ने मेरे ख्याल से $5,000 एक नो बॉल करने का लिया था। वर्ल्ड कप के मैच में वो उन्होंने ग्लव्स चेंज किए थे, उसके बाद जो है वो पूरा मैच जो है वो चेंज हो गया और आउट हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ज़ुल्करनैन हैदर जो पाकिस्तानी टीम का एक सरमाया थे, मैच फिक्सिंग के बाद इनके ऊपर बेशुमार इल्जामात लगे, इन्होंने बहुत से खिलाड़ियों को एक्सपोज किया। इनके मुताबिक इन्होंने सच बोला और सच बोलने की सज़ा इनको ये मिली कि इनको पाकिस्तानी टीम से निकाल दिया गया, और वो तमाम लोग जो मैच फिक्सिंग में मुलव्वस थे वो आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। बुकीज किस तरीके से खिलाड़ियों के साथ राबता करते हैं, कोई बॉलर अगर नो बॉल करवाता है तो बुकीज उसको कितने पैसे देते हैं, अगर कोई बॉलर वाइड बॉल करवाता है तो उसके कितने पैसे होते हैं, अगर कोई बैट्समैन बॉल को लेफ्ट करता है तो उसके कितने पैसे हैं, चौका मारने के कितने पैसे हैं, 5 ओवर्स में 35 स्कोर करना है आपने, अगर ये मुआयदा है बुकीज के साथ तो उसके इशारे कैसे होते हैं, ये तमाम तर तफसीलात हम ज़ुल्करनैन हैदर साहब से जानेंगे। आपको कैसे पता चला कि मैच फिक्सिंग जो है इसमें प्लेयर्स मुलव्वस हैं, पहला इशारा कैसे मिला? मैंने 88 किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया पहले मैच में, सिर्फ मेरी अपनी कोशिश थी, बाकी अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली। तो जिसकी जगह मैं गया था वो एक जो है वो लॉबी का बहुत स्ट्रांग बंदा था, कामन अकमल, उस वक्त 8 बंदों की लॉबी थी, एक पंजाब की मैनेजर थे वो यावर सईद साहब, उन्होंने मुझे रूम में बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको वापस भेज रहे हैं, आपको इंजरी हो गई है, माइनर सी इंजरी थी क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर होते हैं, कीपर्स को बॉलें लगती रहती हैं। 3-4 सीनियर्स थे उस वक्त टीम में, उन्होंने कहा कि ज़ुल्करनैन नैदर को गलत भेजा गया, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया इस इंजरी से। यानी आपको ये कहा गया कि अगर मीडिया या कोई दूसरा इदारा आपसे पूछता है तो आपने यही कहना है मुझे इंजरी है, इनफैक्ट आपको इंजरी नहीं थी? मुझे झूठ बोलने की आदत थी, माइनर सी इंजरी थी। खेलने के काबिल थे आप? उसके बाद मैंने 88 किया, इंजरी के बाद 88 किया मैंने, इसका मतलब है कि मेरी उंगली ठीक थी। वापस क्यों भेजना चाह रहे थे वो आपको? मैं वापस आया, मीडिया ने मेरे से पूछा कि आप इंजर्ड हैं, मैंने मिडल वाली उंगली निकाल के दिखा दी उनको, ये वाली उंगली नहीं दिखाई मैंने, मिडल वाली दिखाई, फिर लोगों को समझ आ गया कि क्या मामला हुआ सर। वो तो फिर वो जो आपकी मिडिल फिंगर थी, वो जो करप्ट माफिया है, मेरा ख्याल है वो उनके खिलाफ थी जी, उनके खिलाफ भी और जो मेरे खिलाफ उस वक्त कर रहे थे उनके लिए। उसके बाद फिर जब ये अगला टेस्ट हुआ, ये 7 लड़के पकड़े गए उसमें, जिसमें कामन अकमल, मोहम्मद आसिफ, आमिर भट्ट वगैरह पकड़े गए। फिर मीडिया ने शोर मचाया कि ज़ुल्करनैन हैदर को इसलिए भेजा गया कि इसने 88 किया और इसको गेमों का नहीं पता था, इसने परफॉर्मेंस की और ये उनके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, इसलिए इसको वापस भेजा गया। कामरान अकमल पे तो इल्ज़ाम लगा, लेकिन उसके बाद वो जो इल्ज़ाम था मेरा वो साबित नहीं हो सका, तो उस यूनिट से उसको निकाल दिया गया था। टाइम के साथ साथ इन पे काफ़ी इल्ज़ाम लग चुके हैं और ये जो मेन बंदे होते हैं ये कभी अपना सबूत नहीं छोड़ते। प्रूफ किसके खिलाफ हुए हैं? इल्ज़ाम तो सबके खिलाफ ही लगते हैं। इनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग थी, ये अपने जितने बंदे हैं उनको मोबिलाइज करके वो उस में से बरी हो जाते थे। इस लॉबी में कितने खिलाड़ी थे? इस लॉबी में 8 खिलाड़ी थे। कौन कौन से? ये लॉबी थी सलमान भट्ट, आसिफ, आमिर, कामन अकमल, उमर अकमल, उमर अमीन, वहाब रियाज, शेख मलिक भी इन लॉबी में था, पंजाब की लॉबी में। यानी ये पंजाब सुबह पंजाब के खिलाड़ी थे सारे, इनकी अपनी लॉबी थी? इनकी अपनी लॉबी थी। उसका एक और सबूत आपको मैं देना चाहता हूँ कि शाहिद अफरीदी की अपनी लॉबी थी, मोहम्मद यूसुफ ने अपनी लॉबी बनाई हुई थी, उससे पहले यूनस खान ने अपनी लॉबी बनाई थी, 3-4 लॉबियाँ थी उस वक्त। शाहिद अफरीदी साहब की लॉबी कौन सी थी? उसमें ये उमर गुल आ जाता था। यानी कि जो केपीके के खिलाड़ी हैं वो केपीके के, जो पंजाब आपके हैं, जो सिंध के हैं, जो बलूचिस्तान के हैं, अलग-अलग। हाँ, एक लॉबी में मैं जब मैं जाता था किसी उनके साथ खाना खाने तो दूसरी लॉबी नाराज हो जाती थी, दूसरे के साथ जाता था तीसरी नाराज हो जाती थी, तीसरे के साथ चौथी नाराज हो जाती थी। तो ये टीम अपने साथ पाकिस्तान क्यों लिखवाती है? ये मतलब जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें तो पाकिस्तानी बनकर खेलें आप, केपी के, पंजाब, सिंध या बलूची? मैं तो सिर पकड़ लेता था आके कि ये हो क्या रहा है, या आप क्रिकेट खेलने गए हो या सियासत करने गए हो। ये पार्लियामेंट में उस वक्त बात तो ठीक है भाई, पाकिस्तानी टीम में पार्लियामेंट से ज़्यादा सियासत है। जब आपने एक बड़ा स्कोर किया तो कौन सा खिलाड़ी आपके पास आया और उसने आपको कहा कि ज़्यादा फन्ने खाना बनो, आराम से खेलो?
तीसरे वनडे में मैं खेल रहा था, मेरे साथ रजाक खेल रहा था। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 2010 की सीरीज थी वो, वर्ल्ड कप से पहले की सीरीज थी। मैच फंसा हुआ था, तो इसको पता नहीं किसने, उमर अकमल को किसी ने कहा मैच फंसा हुआ था। मैं खुद अंदर परेशान था कि यार किस तरह निकालें, तो ये पानी लेके अंदर आया, इसने कहा राम नाल खेड़, ज्यादा फने खाना बन। उमर अकमल ने कहा आपको? उमर अकमल साहब अंदर आए, तो ये डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बात सच है। मैंने इसको कहा पानी पिया थे बाहर जा, पानी पिलाओ और बाहर जाओ, बाहर जाओ, पंजाबी में मैंने इसको कहा। ये नाराज होकर वापस चला गया, वकार यूनुस कोच था, इसने वकार यूनुस को जाकर शिकायत लगा दी कि जुल्करन नादर साहब ने मुझे ये कहा है पानी पिलाने गया हूँ, तो ये अपनी बात नहीं बताई जो इसने मुझे आगे कहा। वकार यूनुस उस बात में मेरे से नाराज हो गया, बात नाराज होने वाली भी थी क्योंकि उसने गलत जाके तस्वीर पेश। तो आपने वकार यूनुस साहब को क्लियर किया? देखिए रात को जब उन्होंने कमरे में मुझे बुलाया, साथ आकिब जावेद भी थे, मैंने उनको कहा कि मैंने तो इस तरह बात ही नहीं की, इसने पहले मुझे ये बात की, मैंने उसके पर्टल में मैंने ये कहा कि जी आप ये पानी पिया थे वापस जा, तो उनको बात समझ आ गई कि ये उमर अकमल साहब, क्योंकि इनका एटीट्यूड भी ऐसी है। चौथे वनडे से पहले दो बंदे मुझे ग्रैंड हयात होटल में मिलते हैं, दुबई में मिले आप, दुबई में, तो उन्होंने मुझे कहा जी हमारे साथ मिलकर काम करो नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को भी मार। बुकीज थे वो? बुकीज थे, लाजमी बात है, ये ऑफर बुकीज ही करेंगे ना। जब उन्होंने आपको और आपकी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी, फिर आपने सोचा कि क्रिकेट को खैराबाद कह दिया जाए? नहीं, उस वक्त तो मेरा जेन सुन हो गया, फिर मैंने ग्रैंड हयात में जाके खाना छाना खाया, फिर मैं अपने रूम में चला गया, फिर एक पाकिस्तान का क्रिकेटर था वो उसी वक्त टेस्ट खेलने आया था, उनसे जाके मैंने मशवरा किया यार इस तरह प्रॉब्लम। नाम बताना पसंद करेंगे? नाम नहीं, क्योंकि बस चले बता दें, इतने राजों से पर्दा उठा लिया था। देखिए उस वक्त तौफीक उमर जो था ना वो टेस्ट टीम में आया था, आपने उससे मशवरा किया? मशवरा किया यार कि इस तरह वकार यूनुस ने मुझे ये कहा, उमर अकमल ने ये कहा, बंदे मिले मुझे धमकियां दे रहे हैं, कहते यार कुछ नहीं होता मुझे भी मिलती रही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। यानी कि उसको भी मिल रही थी लेकिन उसने आपकी तरह डिस्क्लोज नहीं किया? उसने डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि वो शायद ज्यादा उस वक्त ताकतवर था, मैं उतना ताकतवर नहीं था उस वक्त, मैं घबरा गया थोड़ी, उम्र भी छोटी थी, नहीं हैंडल कर सका अपना केस। वो कहता नहीं कुछ नहीं होता, तो फिर मैंने वो चौथा वनडे आया जो मैच इन्होंने फिक्स किया हुआ था, चौथा और पांचवा वनडे 2010 का साउथ अफ्रीका के खिलाफ, चौथा और पांचवा वनडे फिक्स था, चौथा और पांचवा वनडे वर्ल्ड कप से पहले वाला जो मैच था वो फिक्स इन्होंने किया हुआ। लेकिन आपने जितवा दिया? मैंने चौथा जितवाया, मैंने बैग उठाया और मैं निकल गया, मैंने जाके उधर इंग्लैंड में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जहाँ पूरी दुनिया का मीडिया इकट्ठा हुआ था। आपने ये सब कुछ नेशनैलिटी लेने के लिए किया? कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई ऐसी नेशनैलिटी के लिए नहीं किया, पैसे आपकी जेब में हो, हर लड़की आपके साथ शादी करने के लिए तैयार होती है, ब्रिटिश हो चाहे अमेरिकन हो चाहे ऑस्ट्रेलियन। मुझे जुल्करन ये बताएं, मोहम्मद आमिर नो बॉल फेंकते हैं कितनी बड़ी इंग्लैंड के ग्राउंड में, एक बैट्समैन बॉल को लेफ्ट कर देता है, एक बैट्समैन आउट हो जाता है, एक बैट्समैन टिप करता है, एक बैट्समैन सिंगल लेता है, इनके पैसे कितने कितने होते हैं, बुकीज कितने कितने पैसे देते हैं, जुआ कैसे लगता है? आमिर ने मेरे ख्याल से सिर्फ $5,000 एक नो बॉल करने का लिया था, $5,000 अगर आप 8-9 बॉल एक टेस्ट में करें तो आराम से £40,000 जो है वो आपकी जेब में आते हैं। अगर कोई बॉलर वाइड बॉल करवाता है तो उसके पैसे कितने होते हैं? वसीम अकरम साहब अक्सर पहला बॉल जो है वो वाइड किया करते थे, उस वक्त तो इतना रेट नहीं था, लेकिन रेटों का तो हमें पता होता क्योंकि हम मार्केट में सर्कल में रहते हैं, तो एक पूरा मैच फिक्स करने का उस वक्त जो था वो 4 करोड़ रुपया जो था वो पाकिस्तानी मिला करता था, और एक दो बुकीज से मैं दुबई में भी मिला, तो मैंने उनसे पूछा यार क्या किस तरह होता है, तो कहते यार 2010 में जो था ना 4 करोड़ रुपया जो था वो उस वक्त रेट था, अब तकरीबन पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपया रेट है अच्छे मैच का, अगर पाकिस्तान इंडिया या कोई फाइनल मैच हो या इस तरह का कोई अच्छा मैच हो उसमें 10 करोड़ रुपया पाकिस्तानी। और एक बुकी ने खिलाड़ी पर करोड़ों रुपए लगा दिए, अब उसको कैसे पता चलता है कि जो मैंने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं अब ये मैच हारेंगे या जीतेंगे, तो उसका जो इशारा होता है वो खिलाड़ी कैसे देता है? उसमें ये पहले सेटिंग होती है सारी, और बहुत से इशारे भी होते हैं जैसे फैंसियाँ जो खेली जाती हैं, जैसे अंडर 5 ओवर के जो है अंदर लिमिटेड स्कोर रखना है, उसके लिए आपको टेप इधर लगाई होगी, टेप कभी उतार देंगे कभी लगा लेंगे। कोई खिलाड़ी लगाता था ऐसा इस पे आपको शक हो? काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मीडिया पे आ भी चुकी हैं, जैसे वो सईद अनवर का एक मामला हुआ था वर्ल्ड कप के मैच में, वो उन्होंने ग्लव्स चेंज किए थे, उसके बाद जो है वो पूरा मैच जो है वो चेंज हो गया और आउट हो गए, तो ये इशारे होते हैं ग्लव चेंज करना, स्टिकर लगा लेना। आपने आज जितनी बातें की हैं आज होंगे भी अब रोजे में, ये सारी सच्ची हैं? बिल्कुल 100% सच्ची हैं। इस पे मैंने 2010 में हलफ भी लिया था कि यार मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। सच बोलने वाले टीम से बाहर हैं, झूठ बोलने वाले टीम के अंदर हैं, बुकीज के साथ राब्तों में रहने वाले आज भी टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने बुकीज की बड़ी बड़ी करोड़ों की ऑफर्स को ठुकरा दिया आज वो बाहर हैं, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए दुख होता है, देखिए दुख तो होता है जब ज़्यादा हार्ड टाइम आ जाता है,
अल्लाह कहीं ना कहीं मेरे वसीला लगाता रहता है, क्योंकि अल्लाह रिस्क देने वाला है। जिन लोगों ने पाकिस्तान का नाम डुबोया उनको सजाएं मिलनी चाहिए, क्या वो हकदार हैं? मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ या बाकी जितने भी क्रिकेटर्स हैं, क्या उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए था? जिसने किया था ना, उसको किसी को भी नहीं वापस लाना चाहिए था, क्योंकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि हमारे पास इतना टैलेंट है कि उसको दोबारा जो है वो आप उनकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने इनको सबको खिलाया था तो फिर बाकी जो लड़के थे उनको भी खिलाते। मोहम्मद आमिर को इतनी स्ट्रगल के बाद, इतनी सपोर्ट के बाद दोबारा टीम में शामिल किया गया और उन्होंने अब टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लिया, तो पाकिस्तान को तो कुछ सर्व नहीं कर रहे, इस बारे में क्या कहेंगे? मोहम्मद आमिर के पीछे सपोर्ट थी जो शेख शकील था उस वक्त नजम सेठी के साथ, उसकी यस थी क्योंकि वो उनकी लॉबी का बंदा था, तो शेख शकील वापस ले गया। अगर वो शेख शकील ना होता, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि मोहम्मद आमिर भी वापस ना आता। जितने भी आपके साथ मामलात हुए तो आपने इसकी शिकायत बोर्ड को, चेयरमैन पीसीबी को, बाकी ऑफिशल्स को की, तो उनका क्या रिस्पांस था? तो सारा कुछ मैंने उनको बताया था कि इस तरह उमर अकमल ने कि ये कहा, फिर ये भाई इस तरह करते हैं, बाकी लड़कों ने क्या रिस्पांस दिया उन्होंने? लेकिन उस वक्त सिर्फ हल्की फुल्की इंक्वायरी हुई, मुझे भी ऊपर से मुझे 5 लाख फाइन कर दिया उन्होंने। लेकिन जिसने कंप्लेंट की है उसी को ही फाइन कर दिया? नहीं, वो तो चलो वो तो डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ उसको, मैं हकदार भी था क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं। बाकी चीज़ों का मुझे सारा क्लियर हो गया, डोमेस्टिक में मैं क्लियर हो गया सारा, डोमेस्टिक खेलता रहा, फिर मैं 2-3 दफ़ा बेस्ट विकेट कीपर हुआ। फिर वो मुइन खान साहब सेलेक्टर थे उस वक्त, वो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जुआ खेलते हुए पकड़े गए, फिर उनको सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया। मुइन खान साहब ने किसके साथ जुआ खेला था? देखिए मुइन खान, ये एक सारा मुइन खान, इंजमाम, वसीम अकरम, जस्टिस कयूम की अब रिपोर्ट निकालें जो जुए में सारी उस वक्त, उन्होंने कहा था इन किसी को जो है वो ओहदा नहीं देना अपने क्रिकेट बोर्ड में। आप निकाल के देख लें, अभी भी जो है वो मुइन खान क्वेटा ग्लैडिएटर के कोच हैं, वसीम अकरम कराची के कोच हैं, मुश्ताक अहमद जो है वो मुल्तान के कोच हैं। तो आप अगर बेहतरी की तरफ आपने लेके जाना है तो इस तरह तो क्रिकेट सही नहीं हो सकती। उन्हीं दिनों में मोहम्मद आसिफ और वीना मलिक साहिबा का एक स्कैंडल आया जिसमें वीना मलिक साहिबा ने कुछ इंकशाफात किए थे, मैं वो आपकी ज़ुबानी सुनना चाह रहा हूँ, हमारी ऑडियंस को बता दें। जब ये स्कैंडल हुआ, इनमें आपस में थोड़ा क्लैशमेंट हुआ, तो उसने ये कहा था कि 2010 तक जितनी सीरीज़ हैं वो सारी फिक्स हैं, वर्ल्ड कप भी जो है वो भी फिक्स है। और वीना मलिक ने कहा था कि ये जो मोहम्मद आसिम है ये बैंकॉक जाता है किसी बुकी को मिलने, वहाँ से ये पैसे लेता है, उसके बाद ये पाकिस्तान वापस आता है। और वीना मलिक साहब की जो है वो सारी बातें भी सच्ची साबित हुई, उन्होंने जो इंकशाफात किए। बहुत शुक्रिया ज़ुल्कनैन हैदर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के लिए आलमी रिकॉर्ड कायम करके पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, पहले टेस्ट मैच में 88 एज ए विकेट कीपर इन्होंने बनाए और एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड जो कि 16 साल से चलता आ रहा था उसको भी तोड़ा। सच बोलने का और किसी के खिलाफ कंप्लेन करने का जो इनको सिला मिला वो टीम से इनको बाहर निकालने की सूरत में मिला। ये कितना सच कह रहे हैं, ये कितना झूठ कह रहे हैं, इसका फ़ैसला वक्त ने भी किया, आप लोग इसका फ़ैसला करें। वो तमाम खिलाड़ी जो भी करप्शन में मुलविस हैं, जो भी मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, इनकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि उनको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। अपने मेज़बान यासर शामी को इजाज़त दीजिए, ज़ुल्कनैन हैदर साहब के मज़ीद इंकशाफात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।